Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. सीबीआई चीफ बने रहेंगे आलोक वर्मा. सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला. मोदी सरकार को बड़ा झटका. आज लोकसभा में हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक. स्वर्ण आरक्षण बिल को चुनावी छलावा बताते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. ट्रेड यूनियन के 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर, बैंक सड़क सब बंद. कल कश्मीर में 12वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसमें लड़कियों का बोलबाला रहा. वहीं सोपुर में एक छात्रा ने रिजल्ट में फेल होने के बाद आत्महत्या की कोशिश की, जिसे समय रहते बचा लिया गया. पुलवामा के लिथर में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को सेना ने मार गिराया. ये एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब 55 आरआर की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई. एनकाउंटर के बाद से ही इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ अधिवेशन में बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, क्या खत्म हुआ आतंकवाद. भाजपा पीडीपी सरकार ने अमन शांति को तहस नहस कर दिया. ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा.